बच्चों, तो आज हमने आपके लिए भी वीडियो एक ला दिया मैथ्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 है क्लास 4 के लिए। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो कि पेज नंबर 59 में है। तो इस चैप्टर्स में हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर देता हूं। सपोज मैंने आपको दिया 12, मैंने आपको बोला कि आप इसको तोड़ तोड़ के ग्रुप करिए, कितना पार्ट्स में आप लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। सपोज ये बॉक्स बनाइए, 3-4 बॉक्स बनाइए। इसमें एक साथ आप 12 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक साथ आपने 12 रखा, इसमें क्या किया, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 6 करके रखा, 6 6 करके रखा, डिवाइड हुआ, फिर भी इसमें 12 है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये भी आप अगर काउंट करेंगे, 3 3 6 3 3 6, 6 + 6 = 12। यहां भी 12 हो रहा है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4। ऐसे भी आप लोग इसको 12 ऐसे भी आप लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं। फिर कैसे ग्रुप कर पाएंगे, बस ये चार तरीके से आप लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं। तो अगर मैंने आप लोगों को बोला कि 12 को ग्रुप करें तो क्या होगा, 12 1 into 12। आपने क्या किया, डायरेक्ट एक साथ सबका ग्रुप बनाया। सेकंड में क्या होगा, किसका ग्रुप बनाया, 6 का ग्रुप बनाया, 6 into 2, 6 का दो ग्रुप बनाया। फिर किसी को अगर आप ऑपोजिट करेंगे, 2 करके 6 का ग्रुप बनाएंगे तो 2 into 6 हो जाएगा, वो भी 12 होगा। फिर अगर आप ये 3 है, 3 का कितना ग्रुप बनाया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4। सेम आप इसको 4 करके भी कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 4 into 3, ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 into 1। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे गौर से देखने वाला बात है कि आप लोग देखते होंगे कि 1 स्टार्टिंग में यहाँ है लेकिन 1 एंडिंग में यहाँ है। तो हर नंबर का ऑपोजिट होता है। आप लोग देखिए, 6 into 2 यहाँ है, 12 होता है, इसका ऑपोजिट यहाँ है। यहाँ पे 3 into 4 है, यहाँ पे 4 into 3 है, हर चीज का ऑपोजिट हो रहा है। तो फैक्टर उसको बोलता है, सपोज मैंने जो नंबर ये 12 है ना, ये 12 को आप अगर डिवाइड करते हैं कोई नंबर से, सपोज एक कोई नंबर है, मान लीजिए ये 2, आपने क्या किया, 2 को 12 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा आपका आंसर, 2 6 = 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और एक करके देखते हैं क्या आता है, इस बार 2 से डिवाइड किया, इस बार 6 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है, 6 से डिवाइड करके क्या आएगा, इस बार भी रिमाइंडर 0 आएगा और क्वेश्चन क्या आएगा, 2 आएगा। फिर आप 12 को और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 = 12, ये भी आया आपका। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर 12 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर भी आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो याद आपको सिर्फ एक ही बात रखना है कि अगर कोई नंबर को हम लोग किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है, हर केस में आप लोग देख लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब वो नंबर का जिस चीज से हम लोग ने डिवाइड किया है वो फैक्टर है। ठीक है, तो इस 12 को हम लोग ने किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है। फिर हम लोग ने 12 को किससे डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया है। फिर यहाँ पर 12 को किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है। तो इसी कारण जितना भी डिविजर नंबर होगा हम लोग का, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वेश्चन, ये होता है डिविजर, ये होता है रिमाइंडर। तो जितना भी डिविजिबल नंबर होगा हम लोग का, डिविजर नंबर होगा, वो सब हमारा किस में आता है, फैक्टर में आता है। ठीक है, वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, 16 या कोई एक 20 या 9 किसी भी चीज का हो, आप लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। सपोज आप लोगों को 16 का निकालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 16 का तो हमेशा आप लोग को एक बात याद रखना है, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होगा ही, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा ही। ठीक है, फिर किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होगा, उसके साथ जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता है। जैसे 16 जो है, 16 भी खुद का फैक्टर होगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 16। तो 1 कोई भी नंबर, आप लोग कोई भी वर्ल्ड में जितना भी नंबर है ले ले, 1 तो उसका फैक्टर होगा ही, साथ में जो नंबर का फैक्टर निकाल रहा है वो नंबर खुद ही एक फैक्टर होगा।
ठीक है, जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहा है वो नंबर खुद ही एक फैक्टर होगा, जैसे आप लोग यहां देख सकते हैं यहां पे आएगा वन। और एक बात, अगर हम लोग किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करता है तो आंसर जो आएगा हमारा हमेशा वन आता है, ठीक है। और किसी नंबर को अगर हम लोग वन से डिवाइड करता है तो आंसर जो आएगा हमेशा सेम नंबर आता है, ठीक है। अब फिर आप 16 को कैसे कर सकते हैं, 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आएगा आपका, सॉरी 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आएगा आपका, 8 आएगा, 4 आएगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, 16 को 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस डिवाइड को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर आपका क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये चार तरह से निकलेगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि जिस किसी नंबर को अगर हमने कोई एक नंबर से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो रिजल्ट आने वाला है हमारा वो 0 आएगा, और प्लस वो नंबर जो होगा, जो डिविजर होगा वो फैक्टर होगा, ठीक है। जो नंबर होगा वो फैक्टर होगा किसका, जो दिया हुआ नंबर है, जैसे यहां 16 है तो 16 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर इटसेल्फ इज 16, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 8 होगा, तो ये सब इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब मल्टीपल इसका उल्टा, मल्टीपल जस्ट इसका उल्टा होता है, मल्टीपल जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला, 16 का फैक्टर क्या होता है, 16 का फैक्टर क्या होता है, मतलब 16 कौन सा नंबर से डिवाइड होता है। अगर मैं पूछा 16 का मल्टीपल क्या होगा तो आप लोग को क्या करना है, देखना है कि 16 किस किस से मल्टीप्लाई होता है। तो एक बात आप लोग नोटिस कर सकते होंगे, अगर 16 जिस नंबर से डिवाइड होता है सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई भी होगा। जैसे हमने यहां पे किया 16 को अगर 4 से डिवाइड किया, 4 4 16 0 आया रिमाइंडर 0। अगर हम दोनों में, अगर इसी दोनों को हम लोग ने आपस में इंटू भी कर दिया, इसी दो नंबर को आपस में इंटू कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 16 ही आने वाला है ना। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, हमेशा एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। बस एक चीज है, डिवाइड हो रहा है मतलब फैक्टर, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब मतलब मल्टीपल। तो 16 का फैक्टर 1 16 4 2 8, मतलब 16 को कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होता है वो हम लोग बोलेगा फैक्टर, और 16 कौन कौन सा नंबर के टेबल में आता है, कौन कौन सा नंबर के टेबल में, ऑब्वियसली 1 के टेबल में आएगा, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर और सबका मल्टीपल है, याद रखना आप लोग को, 1 जो है वो सबका फैक्टर और मल्टीपल है, प्लस जो नंबर दिया हुआ है वो सबका खुद का फैक्टर होगा और मल्टीपल भी होगा। जैसे पहला मल्टीपल 1 हुआ, दूसरा मल्टीपल नंबर 16 ही होगा, 1 और नंबर इटसेल्फ इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या होगा, 4 के टेबल में भी आता है 4 4 16, फिर 2 के टेबल में भी आता है 2 2 8 16, फिर 8 के टेबल में भी आता है, ये जो है हमारा ये सब ये आ जाएगा मल्टीपल और वो आ जाएगा हमारा फैक्टर। तो बस आप लोगों को एक बात याद रखना है कि जो फैक्टर होगा वो नंबर के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, नंबर को डिवाइड करके, लेकिन जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल को आप लोगों को देखना है कि वो जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। कोई भी डाउट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं अवेलेबल रहूंगा, फोन करके भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है 6901823292। और प्लीज घर में ट्राई करिए, घर में फ्री बैठे मत रहिए। थैंक यू।